दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। निचार उपमंडल का रुनंग गांव को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 6 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए डीसीएफ वन विभाग ने एफआरए की स्वीकृति दे दी है। एफआरए की स्वीकृति मिलने पर रुनंग पंचायत प्रतिनिधियों व रुनंग ग्राम कांग्रेस कमेटी ने बागवानी राजस्व जनजातीय विकास मंत्री का आभार जताया। नेगी ने कहा कि चुनाव के दौरान ग्रामीणों से किए वादे को निभाने के लिए कैबिनेट मंत्री के प्रयास से रुनंग सड़क निर्माण के लिए एफआरए की क्लियरेंस मिल गई है। अब जल्द ही डीपीआर तैयार कर कड़छम से 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रुनंग गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा। जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की सरकार बनी है और यहाँ से हमारे स्थानीय नेता शरदेश श्री जगत सिंह नेगी जी ने मंत्री पद का कार्यभार संभाला है, किन्नौर के अंदर विकास की भयार को बढ़ाने के लिए आज जो है एक बहुत बड़ा कदम और बहुत बड़ा जीवन रेखा जो रुनंग पंचायत का जो सड़क का एफआरए आज माननीय जगत सिंह नेगी जी के प्रयासों से सफल हुआ है, जिसके लिए मैं उनका जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और समस्त किन्नौर कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो चुनाव में हमने वादे किए थे कि हर पंचायत को सड़क से जोड़ा जाएगा और अन्य सुविधाओं से गाँव के लोगों को सुविधा दी जाएगी, उसी के चलते आज जो है हमारा पहला मुकाम हमने पास किया है और जो हमारा एकमात्र गांव रुनंग जो है सड़क सुविधा से वंचित था, आज जो उसका एफआरए का काम हुआ है उसके लिए हम फिर से जगत सिंह नेगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सब जानते हैं रुनंग गाँव जो है युला के साथ जुड़ा हुआ गाँव है, ऊपर से ओल्ड तिब्बत रोड भी कनेक्शन में था लेकिन बहुत सारा धन इस रोड में लगा लेकिन आज तक भी जो है वहाँ पर सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी और लोगों की ये राय थी कि इनका जो रोड है कड़छम से ऊपर की ओर ले जाया जाए, इनका ये मत था और उसी को जिस तरह से लोगों ने चाहा उसी को दोबारा से 6 किलोमीटर का रोड जो है नाप कर आज जो है हमारे डीसीएफ डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट अरविंद कुमार जी ने एफआरए को स्वीकृति दिया है, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मोहिंदर नेगी की रिपोर्ट।